हेलो बच्चों, जैन क्लासेस पंडा क्लियर में आपका मोस्ट वेलकम। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। देखिए बच्चों ये कैसा चैप्टर है। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है बच्चों? अगर हम दो क्वांटिटी एज्यूम करें, पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी, या पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, अब अगर इसमें इसकी वैल्यू अगर हम डबल करें और ये भी डबल हो जाए, इसको अगर ट्रिपल करें तो ये भी ट्रिपल हो जाए, इसकी वैल्यू हाफ करें तो ये भी अपने आप हाफ हो जाए, तो इस तरह का रिलेशन, इस तरह की डिपेंडेंसी इन बिटवीन बोथ क्वांटिटी, इसे कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रैक्टिकल भी एग्जांपल देख सकते हो, जैसे किसी कार की स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, न घटने वाली है न बढ़ने वाली है। हिंदी मीडियम में बोलते हैं कार की चाल नियत है, न घट सकती है न बढ़ सकती है। तो उस केस में अगर टाइम और डिस्टेंस को देखा जाए, तो टाइम को अगर डबल करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वह भी डबल हो जाएगा, टाइम को हाफ करेंगे तो डिस्टेंस भी हाफ। इस तरह का रिलेशन कि पहले क्वांटिटी में जितने टाइम्स का वेरिएशन उतने ही टाइम्स का वेरिएशन अगर दूसरे क्वांटिटी में होता है, तो इस तरह के रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखते हैं बच्चों, मैंने मान लिया दो क्वांटिटी है एक्स और वाई, एक्स को अगर डबल किया तो वाई भी डबल, एक्स को अगर ट्रिपल किया तो वाई भी ट्रिपल, एक्स को अगर हाफ करोगे तो वाई भी हाफ। तो आप देख सकते हो जितने टाइम्स का वेरिएशन पहले क्वांटिटी में उतने ही टाइम्स का वेरिएशन दूसरे क्वांटिटी में। अगर इस तरह का वेरिएशन है तो इस तरह के वेरिएशन को बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन, या इसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है। इसे ठीक से देख लो, यहां तक का पंडा क्लियर? अब बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो क्या रिलेशन है, इसमें इसका रेशियो लेंगे तो x अपॉन वाई, टू एक्स अपॉन टू वाई, ये भी टू टू कैंसिल होगा, x अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई, ये भी हाफ हाफ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में से दो दो कट जाएंगे, तो ये भी एक्स अपॉन वाई। तो आप कह सकते हो कि इसका कंसेप्ट ये है बच्चों कि अगर पहली वैल्यू एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, इसके लिए वाई की वैल्यू वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, y4, तो आप ये कह सकते हो कि इसका इससे रेशियो, हर एक का रेशियो क्या होंगे, इक्वल, x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3, x4 by y4, ये इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे रेशियो इक्वल होगा। आप ठीक से इसे देख लो, यहां तक का पंडा क्लियर? बच्चों मैंने क्वेश्चन नोट किया है, इफ 15 ऑरेंजेज कॉस्ट रुपीज 110, What do 39 oranges cost? इसका मतलब यह है कि 15 oranges का cost 110 रुपए है, तो 39 oranges का cost कितना होगा? आप देख सकते हो oranges यानी quantity cost, quantity बढ़ाओगे तो cost भी क्या होगा, increase होगा, बढ़ेगा,
तो इस तरह के रिलेशन को हम डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। ऑरेंजेज कॉस्ट 15 ऑरेंज का कॉस्ट है 110 रुपए। फिर 39 ऑरेंज का कॉस्ट कितना होगा, मैंने इसको एक्स मान लिया, इसको वाई एज्यूम कर लिया, ये बताना है वाई के टेबल का बताना है, जिसे वाई मान लो। जैसा कि आपको पता है 15/110 इक्वल टू 39/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 × y इक्वल टू 110 × 39। y की वैल्यू बच्चों 110 × 39 डिवाइडेड बाई 15। आप इसे 5 से 3 बार में, 5 से 22 बार में, 3 से 13 बार में y की वैल्यू 13 × 26, 13 × 26 2 × 28 286 रुपीज। आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट। ट्रेन 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 45 मिनट में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर, 221 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितनी टाइम लगेगी। बच्चों स्पीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में स्पीड को कांस्टेंट माना जाएगा, एक समान चाल से माना जाएगा, उसकी स्पीड न घटेगी न बढ़ेगी, ऐसा एज्यूम किया जाएगा। देखते हैं बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि टाइम और डिस्टेंस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, अगर टाइम बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, यानी कि डायरेक्टली वेरिएशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया, टाइम को मैंने वाई मान लिया, 51 किलोमीटर 45 मिनट में, 51 45, फिर 221 किलोमीटर, 221 किलोमीटर कितने मिनट में, मैंने y मिनट में एज्यूम कर लिया। सॉल्व कर दो 51/45 इक्वल टू 221/y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 45 × 221, y की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 45 221 डिवाइडेड बाय 51, 17 से कट कर दो, 17 से 3 बार में, 17 × 17 5 = 51, 17 × 51 3 से 15 बार में, y की वैल्यू 15 में 13 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 45 5 × 4 15 × 4 19, इतना मिनट्स होगा बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो आप इसे लिख सकते हो 195 मिनट है 195 मिनट, 60 60 60, 180 मिनट में 3 घंटे 15 मिनट बचेगा, तो 3 hours 15 minutes एंसर। आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेट ऑफ 6 शीट्स ऑफ ए पेपर
इज 162 ग्राम, सिक्स शीट्स पेपर का वेट 162 ग्राम है। हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम क्वालिटी ऑफ पेपर वुड वे 13.5 केजी, कितने शीट्स का वेट 13.5 केजी होगा। जैसा कि आपको मालूम है वेट और क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेशन है। देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। शीट्स वेट इसको एक्स मान लिया गया है, इसको वाई, सिक्स का वेट है 162 ग्राम, फिर कितने सीट्स का वेट, मैंने यहां पर एक्स मान लिया 13.5 केजी है। बच्चों ध्यान देना, यहां पर ग्राम है यहां पर केजी, दोनों यूनिट सेम रखो। ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम में हमने चेंज कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो अब यहां पर 6/162 इक्वल टू एक्स अपॉन 13.5 इंटू 1000, एक्स की वैल्यू इसको इधर भेज दो 6/162 13.5 × 1000। बच्चों 6 से ये कटेगा, 6 × 12 = 4, 6 × 7 = 42, इससे ये दो बार में, इससे ये 500 टाइम्स में, x इक्वल टू 500 सीट्स। आप इसे ठीक से देख लो बच्चों, यहां तक का फंडा क्लियर बच्चों। अब डायरेक्ट वेरिएशन डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे इनवर्स वेरिएशन, या उसी का दूसरा नाम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने मान लिया दो क्वांटिटी है, अगर इसकी वैल्यू हम डबल कर दें और यह हाफ हो जाए, जैसा वेरिएशन इसमें उसका रेसिप्रोकल वेरिएशन, इसमें उसका इनवर्स वेरिएशन, उल्टा वेरिएशन, इसमें 2 times तो इसमें 1/2 times, इसमें 3 times तो इसमें 1/3 times, इसमें 1/2 times तो इसमें 2 times। कहने का मतलब सीधे सीधे जितनी टाइम्स वेरिएशन फर्स्ट वेरिएबल में हो उसका रेसिप्रोकल टाइम्स वेरिएशन सेकेंड वेरिएबल में होना चाहिए। अगर इस तरह का रिलेशन है दो वेरिएबल के बीच में तो इसे इनवर्सली रिलेशन बोलते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, या इनवर्सली वेरिएशन बोलते हैं। बच्चों इसे ध्यान से समझ लेना। देखते हैं बच्चों इनवर्स वेरिएशन, मैंने मान लिया दो वेरिएबल, इसको मैंने डबल किया ये हाफ हो गया, इसको ट्रिपल किया तो ये 1/3 हो गया, इसको हाफ किया तो ये 2 times हो गया। अगर इस तरह का वेरिएशन है तो इसे हम बोलेंगे इनवर्सली वेरिएशन या इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन तीनों का मतलब सेम है बच्चों, इसे ध्यान से समझ लेना। अब इसका कंसेप्ट क्या है देखें, कंसेप्ट बच्चों अगर यहां पर x1 x2 x3 x4 इनके लिए y की वैल्यू y1 y2 y3 y4 तो आप देख सकते हो इसमें इनका रेशियो नहीं, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई, यहां पर भी 2 कैंसिल,
एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई हम कह सकते हैं कि इनवर्सली वेरिएशन के केस में दोनों वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, न कम होगा न ज्यादा होगा, कांस्टेंट होगा बच्चों। तो आप इसे लिख सकते हो एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री एक्स फोर वाई फोर। आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक अपना क्लियर बच्चों? कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इनवर्सली वेरिएशन का। अगर हम कंस्ट्रक्शन को सोचें, कंस्ट्रक्शन के बारे में हम एनालिसिस करें, तो अगर मैन पावर बढ़ा देंगे तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन कम होगा। अब अगर मैन पावर कम कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएगा। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल, अगर डिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम लगेगी, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम के बीच का रिलेशन इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे ठीक से समझ लेना बच्चों। तो आपने देखा इनका प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट। ऐसे यहां तक अपना क्लियर बच्चों? क्वेश्चन है, इफ 36 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, अगर 36 आदमी किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट करते हैं, देन हाउ मेनी डेज विल 15 मैन टेक टू डू इट, फिर 15 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन, मैन को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, डेज को मैंने वाई एज्यूम कर लिया, 36 आदमी 25 दिन, 15 आदमी कितने दिन वाई। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्टली वेरिएशन है या इनवर्सली वेरिएशन है, ये आपको ठीक से समझना पड़ेगा। मैन को बढ़ाएंगे, मैन पावर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज दिनों की संख्या कम होगी, ये उल्टा प्रभाव पड़ रहा है, यानी इनवर्सली रिलेशन है। देखते हैं बच्चों, इनवर्सली रिलेशन में प्रोडक्ट इक्वल करते हैं, 36 इंटू 25 15 इंटू वाई की वैल्यू 36 25 डिवाइडेड बाई 15, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 3 से ये 12 बार में, y बराबर 12 बचे 60 डेज, एंसर। तो आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक का फंडा क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 काउज कैन रेज ए फील्ड इन 13 डेज, 45 गाय किसी फील्ड को, किसी खेत को 13 दिन में चरती हैं, हाउ मेनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज, टोटल कितनी काउज होंगी अगर 9 दिन में खेत को ग्रेज कर लिया जा रहा है, खेत को चर लिया जा रहा है, तो टोटल गायों की संख्या बतानी है। देखते हैं बच्चों, सॉल्यूशन, काउज को मैंने एक्स और डेज को मैंने वाई एज्यूम कर लिया, 45 गाय 13 दिन में, फिर कितनी गाय मैंने मान लिया एक्स गाय 9 दिन में। बच्चों आप ध्यान से,
अगर गायों की संख्या बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, ज्यादा गाय मिलकर खेत को बहुत जल्दी चर जाएंगी, दिनों की संख्या क्या होगी, कम। तो यह इनवर्सली रिलेशन है, इनवर्सली वेरिएशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखते हैं बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इनका प्रोडक्ट इक्वल किया जाता है 45 13 इक्वल टू एक्स इंटू 9, एक्स इक्वल टू 45 13 अपॉन 9। इससे ये 5 बार में, ये 5 को 13 से 65, क्या है 65 काउज एंसर। आप इसे ठीक से देख लो, यहां तक कफंगा क्लियर बच्चों। क्योंकि आज इस चैप्टर का पहला दिन है, इसलिए हमने 0 लेवल से, बेसिक लेवल से क्वेश्चंस डिस्कस किए। आप इसे ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, नेक्स्ट वीडियो हम लेवल 2 का डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसे प्रैक्टिस कर लो। ओके, बाय बाय।